तुम्हें पता है बॉलीवुड में हर सिचुएशन के लिए एक गाना है. फॉर एग्जाम्पल, जब सुबह सुबह बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें प्रेशर नहीं आ रहा होता, तब ये वाला गाना. तो आज हम देखने वाले हैं बॉलीवुड के महान गीत और उनके लिरिक्स, क्योंकि लिरिक्स की हिंदी क्या होती है मुझे नहीं पता. एनीवेज, तो सबसे पहला गाना जो हम सुन रहे हैं, यार बचपन में हम सबने एबीसीडी तो सीखी, लेकिन अगर वही एबीसीडी हमें दारू के नशे में सिखाई जाती तो कुछ ऐसा सा रिजल्ट होता. OMG WTF, did I just hear what is this shit? मतलब गाना बनाने को कुछ मिल नहीं रहा था तो एबीसीडी के अल्फाबेट्स इधर उधर रैंडम फंबल मारे, मिक्स कर लिए. ABBG TPOG IPKI तो तू POG. वाह वाह, ये देखने के बाद ना सच्ची में मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आ रही है, ये क्या है, ये तो टट्टी है. खैर आगे बढ़ते हुए, तो यार बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे जमाने के गानों में कुछ मीनिंग होता था, उन गानों में कुछ मतलब होता था. तो यार एक काम करो, मुझे सिर्फ बता दो ये गाना क्या है. जी हाँ, आपने सही सुना. नहीं, आपके कान धोखा नहीं खा रहे हैं. जी आपने बिल्कुल सही सुना है, बटाटा वड़ा, यही लिरिक्स है. बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा, हुए बटाटा वड़ा, दिल नहीं देना था देना पड़ा. ये चीटिंग कर रहे हैं, ऐसे लिरिक्स भी कोई लिखते हैं, रुलाओगे पगलो बटाटा वड़ा. ये तो पता नहीं मेरे को ये खाने की चीजों से बॉलीवुड को क्या ऑब्सेशन है. बटाटा वड़ा से हटे तो भाई समोसे पे पहुंच गए. जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू. ये कैसा अजीब सा प्रपोजल है यार, कि जब तक समोसे में आलू है सिर्फ तभी तक मैं तेरा हूँ, क्योंकि उसके बाद ये रिलेशनशिप खत्म है. क्योंकि क्योंकि समोसे में आलू खत्म हो गए रे, ओके टाटा बाय, मैं नहीं रह सकता तेरे साथ क्योंकि समोसे में आलू खत्म हो गए. ओ शिट. इनके विचार सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगने लग गया मैं बहुत ही पिछड़ी सोच वाला हूँ. मतलब जब तक समोसे में आलू रहेगा, लड़की तुम्हारे साथ फेविक्विक का जोड़ है, इतने आसानी से नहीं टूटेगा, चिपक के रहेगी. लेकिन समोसे में आलू खत्म होते ही दिस रिलेशनशिप इज ओवर. हद हो गई यार. एक तो ये वाहियात सा पों, ऊपर से ये उससे भी वाहियात डांस स्टेप, यार सलमान खान तक नहीं बचा पाया इस गाने को. ये क्या है पों, व्हाट इज पों? एक्चुअली पों से याद आया, बॉलीवुड का पों के साथ ऑब्सेशन तो बहुत पुराना है. कौन कहंदी, नाम बता तू बस, कौन कहंदी और पौ क्यों कहंदी, क्यों कहंदी, किस लिए कहंदी, मतलब पौ क्यों कहंदी है यार, हद ही हो गई. और भी कुछ कह सकती है, हो पप्पी शेम ऐसे भी तो बोल सकती है. पौ पप्पी शेम कौन बोलता है, मतलब बता दो मेरे को एक इंसान जिसने पौ पप्पी शेम बोला हुआ है जिंदगी में. पौ क्यों कहता है कोई. तू लड़की है मान लिया, वो लड़का है मान लिया, तुम दोनों मिले मान लिया, लेकिन पौ पौ पौ, तू लड़की है तो पौ पौ पौ, वो लड़का है तो पौ पौ पौ, दोनों मिले तो पौ पौ पौ, पौ 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 पौ, भग पौ पौ पौ. कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम दोनों में बस ये होगा, पौ पौ पौ, पौ पौ पौ. खैर पोंपोंपो से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फेवरेट हिमेश रे छमिया के आज तक के बेस्ट गाने के बारे में. ओयालिया, ओय करीना, ओय कटरीना, ओय दीपिका, ओय प्रियंका, ओय सुष्मिता, भाई नाम ही लेने हैं, ओए भूल गया भाई, लड़कियों के नाम भूल गया मैं.
बस यहाँ पर भगवान का इंसानियत से विश्वास उड़ गया और भगवान ने भी हाथ खड़े कर लिए कि ना भाई ना, इससे ज्यादा ना होगा। आइसक्रीम खाऊंगी, कश्मीर जाऊंगी, इस हिसाब से तो मैं भी लिरिक्स राइटर बन सकता हूँ। गोला खाऊंगा, तिरुचिरापल्ली जाऊंगा, या फिर भुट्टा खाऊंगा, कोयम्बटूर जाऊंगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस गाने को पिछले 1000 सालों का सबसे वाहियात गाना डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। तो तुम लोग कमेंट करके मेरे को बताना कि यार तुम एग्री कर रहे हो कि नहीं। मैं भी देखूं यार कौन लोग है जो एग्री नहीं कर रहे, किसको पसंद है ये गाना। I love you के नाम पे ये कौन बोलते हैं मुझे अपनी बना ले कॉलर ट्यून, मतलब कौन है ये लोग। और जितना वाहियात सैफ अली खान का डांस है उससे कई ज्यादा वाहियात है ये गाना। लिरिक्स कहते हैं मुझे अपनी बना ले कॉलर ट्यून, I highly doubt इस पूरी दुनिया में एक ऐसा प्राणी होगा जिसने इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाया होगा। क्यों, क्या जरूरत है? माँ बाप ने अच्छे खासे पैसे लगा के कुर्ता खरीद के दिया, क्या जरूरत है उसको फाड़ने की? मतलब अगर तुझे बोलना है लैला 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 तो ऐसे बोल ले, कुर्ता फाड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। कैसे प्यार हुक्का बार, कैसे मतलब राइम कर रहा है तो कुछ भी, प्यार वार कार मार ढार बार जो मैच करेगा यार तुम उसको उठा के बना दोगे गाना। जितनी बार ये गाना सुना है ना कसम से मेरी सच में सटकली है, अथमा जी सटकली मला राखी तावे। वो छोटा बच्चा जो मला राखी तावे पे चीखने आता है ना उसको देख के इतना क्रिंज आता है, इतना क्रिंज आता है। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर तुमको वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक वाले बटन को दबाओ। आज की वीडियो पे एम कर रहे हैं 4000 लाइक्स, अगर 4000 लाइक्स हो जाते हैं तो इसका पार्ट 3 भी आ सकता है क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारे गाने हैं WTF। और कमेंट्स में बताओ वीडियो कैसी लगी, कौन सा सबसे घटिया वाहियात गाना तुम्हें कौन सा लगा, एंड सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं करा तो, बेल वाले आइकन को दबा दो, इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो कर लो, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में @triggerinsan। अगली वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।